भाइयों और बहनों, आज के रविवार को माता कलिसिया खजूर रविवार या दुख भोग का रविवार के रूप में स्मरण करती है। इसलिए आज हम सभी क्रिस्तय भाई बहन खजूर पर्व को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज सबसे पहले प्रभु के वचन को हम ग्रहण करते हैं। इसके बाद हम सभी खजूर के डालियों को आशीर्वाद करते हैं और प्रभु यीशु की शोभा यात्रा में हम प्रवेश करते हैं और प्रभु यीशु की जय जयकार करते हैं। और जब हम कलीसिया में प्रवेश करते हैं तो वहाँ भी प्रभु यीशु ख्रिस्त की वचन को हम सुनते हैं और इसलिए आज का पूजन विधि लंबी होती है। और आज के रविवार के साथ ही हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश करते हैं और जब हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश करते हैं तब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त की उन क्षणों को याद करते हैं जिसके द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को अपने पापों और मृत्यु से बचाया। यह प्रभु यीशु का वह पल है जो प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं दुख भोगते हैं और उसके साथ साथ में अपने बलिदान के द्वारा हम सभी मानव जाति को नया जीवन प्रदान किया है। और इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त आज हम सबों को आमंत्रित करते हैं कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन में प्रवेश करें और जिस प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने जीवन को पिता परमेश्वर के लिए समर्पित किए, हम भी उसी प्रकार अपने जीवन को पिता परमेश्वर के लिए समर्पित कर सकते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त कुछ दूर आगे बढ़ करके मुंह के बल गिर जाते हैं और वह अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता, हो सके तो यह प्याला टल जाए पर मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त मनुपुत्र होकर के अपने पिता से प्रार्थना किया ताकि पिता उन्हें बचा सके, लेकिन एक ईसा के रूप में वह हम सब मनुष्य को बचाने के लिए अपना जीवन को समर्पित कर दिया। और इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त अपना जीवन को पिता परमेश्वर और हम लोगों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर दिए। और बाद में हम देखते हैं कि वह अपने जीवन को बैरियों के हाथों में वह सौंप देता है और उसके बाद की कथा को हम भले भांति जानते हैं। और इसलिए वह अपने दुख को सहता है और कोड़े लगाए जाते हैं और तीसरा दिन मृत्यु में से जी उठते हैं और हमारे लिए वह बलिदान दे देता है। हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे लिए दुख उठाने के लिए स्वीकार करते हैं और अपना जीवन को पिता परमेश्वर के समक्ष समर्पित करते हैं। जिन लोगों ने प्रभु यीशु को दर्शन करने के लिए तरसते थे, जिसने प्रभु यीशु से नया जीवन प्राप्त किए और ईश्वर को पहचाना, आज वही लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त को पकड़वाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हम सभी जानते हैं प्रभु यीशु के 12 शिष्य थे और उनमें से एक शिष्य जिसका नाम यूदास इस्करियोत था, प्रभु को पकड़वाने का षड्यंत्र रच रहा था। और इसलिए वह महायाजकों के पास जाकर बोलते हैं, यदि मैं ईसा को आपके हवाले कर दूं, तो आप क्या देने के लिए तैयार हैं? उन्होंने चांदी के 30 सिक्के दिए। और उस समय से यूदास इस्करियोत प्रभु यीशु को पकड़वाने का मौका ढूंढ रहा था। जब प्रभु यीशु को यह आभास हो गया कि उसका समय अंत होने वाला है और इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को बुलाते हैं और बुला करके वह भोजन तैयार करते हैं। और भोजन करने से पहले प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को उसके विश्वासघात का संकेत देता है और प्रभु यीशु बोलते हैं अपने शिष्यों से कि आप लोगों में से ही मुझे पकड़वा डालेंगे और जो मेरे पास थाले में भोजन कर रहा है वही मुझे पकड़वाएंगे। मानव पुत्र तो चला जाएंगे जिस प्रकार धर्म ग्रंथ में लिखा है, लेकिन धिक्कार है उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वा देगा। और उसके बाद में हम देखते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त परम प्रसाद जो कैथोलिक संस्कार है उसको स्थापना किया। और इसलिए हम सभी क्रिस्तय भाई बहन हम लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं ताकि हम उस परम प्रसाद को बड़े आदर और भक्ति के साथ ग्रहण करें। और जब उस संस्कार को हम अपने जीवन में उसको ग्रहण करते हैं तो हमें ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होती है। हमें जिस बात को प्रभावित करते हैं
वह प्रभु यीशु ख्रिस्त के रास्ते हमारे मनुष्य के रास्ते से बिल्कुल अलग है और प्रभु यीशु ख्रिस्त उसको अच्छी तरह से समझते थे। इसलिए जब लोगों ने प्रभु यीशु ख्रिस्त की जय जयकार किए तो उसके खुशी में भाग नहीं गए, बिल्कुल वह चिंता करते थे कि किस तरह वह अपने लोगों को पापों की चंगुल से बचाए और इसलिए वह अपना रास्ता से वंचित नहीं हुए। इसमें भाई तथा बहनों, आज जब हम हजूर पर्व मना रहे हैं, आज हम सभी ख्रिस्ते भाई बहन प्रभु यीशु ख्रिस्त के रहस्यमय जीवन को स्मरण करते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मरण और पुनरुत्थान। और जब हम सभी ख्रिस्ते भाई बहन इस रहस्यमय जीवन को हम याद करते हैं, इस पर मनन चिंतन करते हैं, तो आइए हम अपने आप से यह सवाल पूछें कि क्या हम प्रभु यीशु ख्रिस्त की सच्चा हृदय से जयकार करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त की सच्चा हृदय से जयकार करने का मतलब है कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपना जीवन का आदर्श मानते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपना जीवन का स्रोत और मार्गदर्शक मानते हैं। और इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे ताकि हम सभी प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा दिए गए मूल्यों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। और दूसरा सवाल यह है कि यदि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन के सुखों के साथ साथ में उसके दुखों के साथ भी हिस्सा लेते हैं तो उसका मतलब है कि आप प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपना जीवन का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। और हमारे जीवन में जब हम देखते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ तभी साथ देते हैं जब वह सुख है, संपन्न है, सफल है, और जब वह बुरे समय आता है तो उसे हम पकड़ाते हैं और उसका साथ नहीं देते हैं। यदि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को खुश करना चाहते हैं तो हम भी विषम परिस्थितियों में, दुख के समय में अपने दोस्तों को साथ दें और उस तरह से हम भी प्रभु यीशु ख्रिस्त को साथ देते हैं और उसको पहचानते हैं। और तीसरा सवाल यह है कि क्या हम भी प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपना जीवन में ढूंढते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपना जीवन में ढूंढने का अर्थ है कि अपने जीवन के माध्यम से हम प्रभु यीशु के प्यार को दूसरों तक बांटते हैं तथा उसके दिए हुए मूल्यों के अनुसार हमारा जीवन को हम व्यतीत करते हैं। आइए हम ऐसी कृपा और वरदान के लिए आज प्रार्थना करें।